हाय गाइस, विश यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस आयुषी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीवाइयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, और आज भी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदूज एडिटोरियल सेक्शन। ओके, सो सबसे पहला आर्टिकल है, देखिए बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हैं आज, और बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजीली मैं कोशिश करूँगी डिकोड करने की, और सारे आर्टिकल्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो पहला आर्टिकल रहेगा सेफ रिटर्न। क्या है ये? तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि 3 मई को वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नॉर्मल लाइफ। हाँ, हम नॉर्मल लाइफ नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट लॉकडाउन ओवर हो रहा है ना। तो लॉकडाउन ओवर होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस अपनी रूटीन में आएगी, लाइक वर्कर्स, जॉब्स एंड ऑल, है ना। तो इसी बीच में ये एक सेफ रिटर्न होना चाहिए, ऐसा जो है आज के एडिटोरियल सेक्शन में ये बताया गया है एडिटर द्वारा, कि क्योंकि हम लोग वापस COVID-19 क्राइसिस से अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन इसी दौर के बीच में हम लोग कोशिश कर रहे हैं वापस अपनी लाइफ में नॉर्मलसी लाने के लिए, वापस एक काम का जी जो है हमारा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो इस दौरान हमें कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, जिनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है माइग्रेंट वर्कर्स का। हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमने COVID-19 के दौर में सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं जिसने ऐसा फेस किया है, वो एक जो सेक्शन रहा है वो माइग्रेंट वर्कर्स का रहा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया है सारी सिचुएशंस को, बहुत ज़्यादा जो है, देखिए अ मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन, ग्लोबल लेवल पे जो सबसे पहला इतना बड़ा लेवल पे जो लॉकडाउन हुआ है, उसके एक महीना कंप्लीट होने को आया है ना। वॉज इम्पोज इन इंडिया, इंडिया के अंदर इम्पोज किए हुए एक महीने पहले इम्पोज किया था, एक महीना हो चुका है। अब इससे निपटने के लिए हम लोग अगेन, अच्छा इससे निपटने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स जो है उन्होंने काफ़ी जो है उनकी जो हम कह सकते हैं दशा हमें देखने को मिली पिछले कुछ दौर के अंदर। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहा है कि लेट मार्च ये बात कही गई है कि अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड टू प्रोवाइड टेम्प्रेरी शेल्टर्स। अच्छा, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि हम जो है लेट नाइट जो है मतलब लेट मार्च तक जाते जाते अरेंजमेंट्स कर दें टेम्प्रेरी शेल्टर्स के, जिसके साथ खाना पानी सब कुछ अवेलेबल हो सके, है ना। लेकिन और ये भी होना श्योर हो जाए कि भाई कोई भी पर्सन जो है सड़क पर नहीं आना चाहिए। तो ये लॉकडाउन के बाद की कंडीशन थी, लॉकडाउन के जस्ट बाद में ऐसी कंडीशन बताई गई थी जिससे कि लोग अपने नेटिव प्लेसेस को जाने लगे थे। अब क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि वो इतने लंबे समय तक किसी अदर स्टेट में, अदर सिटी में रहें, इतने लंबे समय तक लॉकडाउन के पीरियड में वो अपने घर जाएं, नेटिव प्लेसेस को जाएं, जहाँ पे एटलीस्ट उन्हें का, क्योंकि जॉबलेस हो चुके थे, है ना। जॉबलेस हो जाने की वजह से उनके पास में रूटीन जो हम कह सकते हैं उसकी, वो चलाने के लिए भी खाना पानी अवेलेबल नहीं था। उसके लिए ये ज़रूरी था कि उनका अपने घर पे जाया जाए उन्हें, उनके द्वारा। लेकिन सरकार ने इसे अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे माइग्रेंट्स देखे गए जो बिल्कुल रश्ड वे में दिल्ली से, आपको पता होगा दिल्ली से यूपी की तरफ रश कर रहे थे। इवन हज़ारों लाखों लोग थे जो कि पैदल ही रवाना हो गए थे अपने प्लेसेस के लिए, नेटिव प्लेसेस के लिए, है ना। इवन पैरों से, मतलब बहुत बहुत दूरी तय करके और कदमों से जा रहे हैं वो अपने घर पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते इस बुरी कंडीशन में, ये सोचकर, है ना। उसी दौर में लैक ऑफ वर्कर्स हु वर डिपेंडेंट अपॉन डेली एंड कैजुअल लेबर, जो कि लाखों ऐसे देखिए वर्कर्स थे जो कि डेली बेसिस पर, मजदूरी बेसिस पर कार्य करते थे। अब उनके पास में दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटीज़ में रहना, वहाँ विदाउट वेजेस इट वाज नॉट पॉसिबल, है ना। सो द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस हैज़ बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड मेट्रोपोल, और कई जगहों पर जो है उन्हें शेल्टर जो है प्रोवाइड नहीं हो पाया, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिली।
तो इसी दौरान फिनेंस मिनिस्टर ने भी फंड्स प्रोवाइड करवाए, लेकिन वो भी इनसफिशिएंट थे क्योंकि लाखों की तादाद में माइग्रेंट्स को या वर्कर्स को प्रोवाइड करवाना, तो ये खाना पानी वो शुड बी अवेलेबल है ना, इट कुड बी डन। बट ये चीज़ फैक्ट है कि आप शेल्टर्स नहीं प्रोवाइड करवा सकते, करवा भी देंगे तो एक लिमिटेड एरिया तक करवा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में एक छोटी सी जगह में हम बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, उस बड़ी जनसंख्या के बीच ये सब चीज़ें मैनेज करना, और वो भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए या एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो अब उन्हें ये करना चाहिए था कि ये करना चाहिए कि कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया जाए जिससे कि वो अपने जीवन को वापस से ट्रैक पर ला सके। अभी भी माइग्रेंट्स यही कंडीशन है, अभी भी जो वर्कर्स रह रहे हैं बेरोजगार हैं और बुरी कंडीशन में हैं, उन सबकी यही कंडीशन है ना। अब ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जल्दी ही हम, और इवन खोल भी दिया है मनरेगा जो है उसे खोलने का, सोशल डिस्टेंसिंग के बेसिस पर वहाँ पे वर्क होगा और उसे खोल दिया जाएगा है ना लॉकडाउन के दौरान ही। पहले ही 20 अप्रैल से जो गाइडलाइंस जारी हुई उसमें ये निर्देश दिए गए थे। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि वर्कर जो है उनको इंसेंटिव मिल रहा है ना, लेकिन ये चीज़ एक फैक्ट है कि ठीक है वर्कर्स को इंसेंटिव मिल रहा है, वो बिल्कुल जगह पर रह रहे हैं जहाँ वो रह रहे हैं, इससे वर्कर्स को काफ़ी काम भी मिल रहा है, जगह रिस्पेक्टिवली रहने के लिए जगह भी मिल रही है, सब कुछ है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो लोग अटक गए, जो लोग अपने घर पे नहीं जा पाए, वो वर्कर्स आज भी सिटीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें शुरू भी हो जाएगी, लेकिन इससे होगा क्या अल्टीमेटली, व्हाट वुड बी हैपन, दे आर नॉट गोइंग टू देयर हाउसेज, वो अपने घर पर नहीं जा पाए हैं एक लंबे समय से और फिर भी नहीं जा पाएंगे है ना। इवन जो सिटीज़ में रह रहे हैं वो लोग भी मनरेगा में कितना पार्टिसिपेट कर पाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कितना रिलीफ मिल जाता है मनरेगा के एक सपोर्ट की तरफ से या मनरेगा की तरफ से, तो ये प्रैक्टिकली वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। ओके, इंडिया अमंग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट मलेशिया एंड अदर हैज़ मैनेज टू अवॉइड दी हाई फर्टिलिटी एंड इन्फेक्शन रेट। देखिए इंडिया ने भी बहुत कोशिश की और इंडिया ने भी अपने दूसरे एशियन कंट्रीज, हम कह सकते हैं जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, इन लोगों ने भी, हम लोगों ने सब ने मिलकर बहुत ट्राई किया कि कैसे भी करके हम इन्फेक्शन रेट्स को कम कर दें है ना। इसीलिए लॉकडाउन इम्पोज किया गया और लॉकडाउन ने काफ़ी हद तक हमारी हेल्प भी की इस चीज़ में, लेकिन इसके लिए हमें मानवता के बहुत बड़ी मानव ताकि और इकोनॉमिक जो है मानव भुगतान या हम कह सकते हैं आर्थिक भुगतान को भुगतना पड़ा, हमें बहुत बड़ा लॉस भुगतना पड़ा जो कि इकोनॉमिकल और ह्यूमैनिटेरियन दोनों ही बेसिस पे देखने को मिलता है ना। अब बात ये उठती है, क्वेश्चन ये आता है कि अब अगर लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जाता है तो क्या यह इकोनॉमिक क्राइसिस जो क्रिएट होते हैं या अब तक जो क्रिएट हुए हैं उसको जो है हम कह सकते हैं कि उसकी नैतिकता को आगे बढ़ा सकता है या धोखा दे सकता है, ये एक क्वेश्चन सामने आकर खड़ा होता है कि दैट कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट कंपनसेट द पुअर। ये जो है, अगर आप देखिए एक पुअर जो पर्सन होता है उसे तभी जो है सेटिस्फाई होता है या किसी चीज़ से वो तभी जो कह सकते हैं प्रैक्टिकली उसे हम सांत्वना प्रदान कर सकते हैं जब उसके लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क प्रोवाइड किया जा सके एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड एंड द अनफर्म्स, जो कि आज भी जो बिना घर के हैं, बिना जो हम कह सकते हैं जॉबलेस हैं या ओल्ड हैं, उन्हें जो है फैसिलिटेट किया जाए, ये एक कदम सरकार को उठाना ज़रूरी है। देखिए अब क्योंकि लॉकडाउन खुलने वाला है तो मजदूर या हम कह सकते हैं वर्कर क्लास भी रश करेंगे, तो ये इस तरीके से रश होगा जिसके अंदर देखिए महाराष्ट्र द स्टेट ऑफ द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ COVID-19 केसेस, महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाईएस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं COVID-19 से रिलेटेड। ठीक है, बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं COVID-19 से रिलेटेड। तो अब हैज़ दी सेंटर टू प्लान एंड रिज्यूम रेलवे सर्विसेज फॉर द लेबरर्स वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 13। अब सरकार है वो ये कोशिश कर रही है कि हम एटलीस्ट May 3 को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद लेबरर्स के लिए रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि ये ऐसा इट इज़ अ रिक्वेस्ट द सेंटर मस्ट हीड।
और ऐसी ये जो रिक्वेस्ट की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, इसे सेंटर को मानना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो लोग, वो माइग्रेंट्स जो आज भी अलग अलग जगहों पे अटके पड़े हैं, उन्हें भी अपने इतने लंबे समय के बाद में अपनी फैमिलीज के पास, अपने विलेजेस के पास एक अप्रोप्रिएट जगह पर जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो जॉब भी कर सके, वर्क भी कर सके और फैमिली से मिल सके, है ना। तो ये एक रिक्वेस्ट की गई कि रेलवे सर्विसेज जो है वो लेबरर्स को प्रोवाइड करवाई जाए आफ्टर लॉकडाउन, ठीक है। सो इट इज़ अ फ्यूटाइल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लोकिंग टू रेलवे स्टेशन एज हैड हैपेंड इन मिड अप्रैल, जैसा कि मिड अप्रैल में हुआ था। जैसे ही ये चीज़ अनाउंस हुई कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है, तो बिल्कुल रशेज आ गए थे, लोग ट्रेन्स के पर आकर खड़े, रेलवे स्टेशन पर आकर खड़े हो गए थे अपने घर जाने के लिए। तो ये जो सब देखा गया था, उसे भी मद्देनज़र रखना होगा सरकार को। सरकार को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन सिचुएशंस को रोका जा सके, कि लोग रश ना करें, लेबरर्स रश ना करें, और बिल्कुल प्रॉपर वे में उनके लिए रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, जिससे कि वो अपने घर को भी जा सके, है ना। स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश और यूपी आर ऑल्सो गियरिंग अप टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न। ये यूपी और एमपी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके माइग्रेंट्स को वापस जाने के लिए जो है फैसिलिटेट किया जा सके, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये स्टेप्स जो है, इसके लिए स्टेप्स बिल्कुल वेलकम है, एंड माइग्रेंट ट्रेवलर जो है उनको सेफली ट्रेन के अंदर जो है अलाउ कर देना चाहिए। ये अगर अलाउंस मिल जाता है, तो ये नेसेसरी है कि आप उनको सोशल डिस्टेंसिंग, या हम कह सकते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग के बेसिस पर ये निर्धारण किया जाना चाहिए, या ये अलाउ तभी किया जाना चाहिए ट्रेवलर्स को जब वो ट्रेन में अगर सफ़र कर भी रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों को फॉलो करें, है ना, जो कि एटलीस्ट सरकार द्वारा किया जा सकता है, ये एक अच्छा कदम होगा। तो ये था हमारा जो है सेफ रिटर्न की पॉलिसीज़, जो हमने डिस्कस की कि सरकार को सेफली रिटर्न के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, और क्या सेफली रिटर्न के लिए क्या जो स्टेप्स है सरकार उठा सकती है, और क्यों ज़रूरी है ये उठाना, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैंडेमिक एंड पैनिक, मतलब पैंडेमिक के दौर में जो पैनिक क्रिएट होता है, हुआ है या हो रहा है, उसके बारे में बात की हमने। While ensuring distancing, government should not trigger crowding through abrupt changes. अब यही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस किया है, वहाँ तो हमने माइग्रेंट्स बेसिस पर किया था, लेकिन इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि जैसा कि हम लोग वापस अपने रूटीन में आने जा रहे हैं, वापस से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसी बीच में ये कंपल्सरी है कि वापस हम लोग क्राउडिंग को ट्रिगर ना करें, है ना। हम ऐसी कोई हरकत ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए कि अचानक से एकदम से थर्ड में जो है ट्रिगर दबाते ही फोर्थ में को हर जगह क्राउडिंग होने लग जाए, है ना, जिससे कि जो हमने मेहनत की है इतने लंबे समय की, जो मेहनत है हमारी COVID-19 से जो है जूझ रहे हैं हम, और इससे बचने के लिए हमने अपने देश को बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो कि एक ही रात में ट्रिगर आउट करते ही सब कुछ बदल जाए, है ना। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑर्डर्स इंटेंसिफाइंग द लॉकडाउन इन चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुपुर एंड सलेम फ्रॉम April 26 briefly convulsed these cities with panic, threatening to undo the gains achieved from avoiding crowding, maintaining social distancing and preparing the public of the calibrated exit of the risk from restrictions. So what is happening here? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लॉकडाउन जब से शुरू किया था, तब सभी स्टेट्स ने कोशिश की कि कैसे भी करके प्रॉपर वे में उन तक उनकी जो इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है, जो नीड है उनकी, उन्हें भी फुलफ़िल किया जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, उसके लिए जो है सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजर्स उठाए गए। अब क्योंकि हम लोग लॉकडाउन खोलने की कगार पर हैं, उस कंडीशन में, अच्छा जब से लॉकडाउन इम्पोज किया हमने, तब से हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। हमारी कंडीशन अदर यूरोपियन कंट्रीज, स्पेन या चाइना, इटली, इनकी जैसे बिल्कुल भी नहीं हुई। हम बिल्कुल एक नॉर्मलाइज वे में चले और हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, और किया भी। लेकिन अब ये टेंशनजनक बात है कि अब क्योंकि लॉकडाउन खुलने की डेट पास में आ गई है, और उसी के साथ डे बाई डे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक एक दिन में 2,000, 1,800,
1900 ये केसेस सामने आ रहे हैं ना, 1800 1900 केसेस आर गेटिंग आउट. सो फॉर ऑल दी सिचुएशन, टू हैंडल ऑल दी सिचुएशन, गवर्नमेंट हैव टू प्लान अ सर्टेन स्ट्रैटेजी एंड फॉर दैट दे हैव टू इम्पोज ऑल दोज स्ट्रैटेजीज टू द जनरल पब्लिक और दे शुड इम्पोज द इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस टूवर्ड्स पब्लिक. ओके, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली अ वेरी बिग डील टू हैंडल सच अ ट्रिगर्ड क्राउड. नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू close the situation. Now government is going to close the situation regarding pandemic and in between that and open the crowded area. So for in between that they have to balance both of them. Okay, so ये सारी condition हम देख रहे हैं, दिन ब दिन cases बढ़ते चले जा रहे हैं. ऐसे कई सारी जगह होता है कि हमें देखने को मिलता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनको avoid ही नहीं कर पाते. ऐसी कई सारी जगह होती हैं जिन्हें अवॉइड नहीं किया जाता है और जो है वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, जैसे ग्रॉसरी ले लो, मॉल्स ले लो. तो सरकार को ऐसे ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे कि वो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया सके. ठीक है, अब हम बात करेंगे एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस. अब ये एक जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्यों बन जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल रिलेशन से. अब देखिए, क्योंकि चाइना है, रशिया है, ये वक्त वक्त पर जो है जो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, न्यूक्लियर एफर्ट्स लगाते हैं, तो इसको इम्पोज करने से पहले एक जो कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस पास किया गया था इन्हें रोकने के लिए, फिर इन्हें रोका भी गया था सक्सेसफुली. फिर हमें सुनने में आया कि रशिया ने किया तो रशिया को भी रोका गया. अब अमेरिका जो है, यूएस जो है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे कि यूएस moves to resume nuclear testing. US ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ रुख मोड़ा है. ठीक है, उसने शुरुआत की है न्यूक्लियर टेस्टिंग की. तो ये सिग्नलाइज करता है एक ill fated सीटीबीटी का. सीटीबीटी जो नॉर्म्स बनाए गए हैं जो आपको रोकते हैं, किसी भी कंट्री को स्टॉप करते हैं, किससे? न्यूक्लियर टेस्ट करने से, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए जो नॉर्म्स बनाए गए उन्हें सीटीबीटी कहा जाता है. और सीटीबीटी को रोक के जो प्रतिबंध है उनको दरकिनार करते हुए यूएस का ये स्टेप लेना कि वो न्यूक्लियर जो है उसके अंदर आगे, न्यूक्लियर वेपन्स में हम कह सकते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग में आगे जाएगा, तो ये एक पहला साइन हो सकता है किसी भी तरीके से सीटीबीटी को ख़त्म करने का. मतलब सीटीबीटी के नॉर्म्स और नियम कायदे कानूनों को साइड में रखते हुए, उनको ऊपर रखते हुए, और हम लोगों को जो है ये एक साइन देता है कि यूएस इज़ गोइंग बियॉन्ड द सीटीबीटी एंड इट इज़ टेकिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स दैट इज़ गोइंग टू बी सीन इन जस्ट कमिंग टाइम. ओके, अब आने वाले टाइम में हम किन फेसेस को, क्राइसिस को फेस करते हैं? अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स का जो है टेस्टिंग करने से हम क्राइसिस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है. पर ये एक सीटीबीटी के नियमों का उल्लंघन है जो सारे कंट्रीज़ के लिए बनाया गया है ना. तो इस नियम को उल्लंघित करके और ये स्टेप जो उठाया गया है यूएस द्वारा, तो देखते हैं किस हद तक ये जो है कहाँ पे लैग करता है और अथॉरिटीज़ क्यों लैग कर रही है, मतलब अथॉरिटीज़ कुछ क्यों नहीं कह पा रही है, क्या कंपटीशन क्रिएट करता है ये अदर कंट्रीज़ में. तो ये सारी चीज़ें हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, है ना. और सीटीबीटी क्यों न्यूज़ में था, क्यों बैन किया गया न्यूक्लियर वेपन्स को सीटीबीटी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें हमें जो आपको इस आर्टिकल में बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी जब आप इसे रीड आउट करेंगे. ठीक है, और आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स को खुद पढ़िए, क्योंकि ये मैं जो हिंदी में डिस्कशन करती हूँ इंट्रोडक्शन का या ब्रीफ डिस्कशंस, ये इसीलिए होते हैं जैसे कि आप उन आर्टिकल्स को समझ सकें. अब इन जो ये जो कीवर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ या जो की पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनके बेसिस पे अब जब आप आर्टिकल्स को रीड करेंगे, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या कहना चाह रहा है उस आर्टिकल के अंदर, ये सारी चीज़ें ईजीली समझ में आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे रोल बैक द डिस्ट्रस्ट, रिमेंबर द कोर वैल्यूज, है ना. सो सोशल रिलेशंस आर फ्रेगाइल एंड नीड कॉन्स्टेंट नर्सिंग, सोशल पीस इज अ प्री रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रेस. अब क्योंकि देखिए, ये एक चीज़ है जिसको जो हमें लेकर आया है इस COVID-19 के दौर में, प्रोग्रेस की तरफ लेकर आया है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी हद तक काफ़ी एरियाज में प्रोग्रेस किया है.
सो हम कह सकते हैं कि हमने COVID-19 के दौर में बहुत सारे रिलीजियस इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फेस करनी पड़ी है ना। सो अब क्योंकि हम एक नॉर्मलाइज वे में आगे बढ़ने जा रहे हैं, हम वापस से जो है अपने अपने उसके अंदर आ रहे हैं, अपने एरियाज़ में आ रहे हैं, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें याद करना होगा उन नैतिक मूल्यों को, उन गुड जो है वैल्यूज़ को, जिन जो इतर तक पहुँचे हुए वैल्यूज़ तक पहुँचना होगा, जिससे कि हम ये जो सोशल लेवल पे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, हम इनसे उभर कर बाहर आ सकें, है ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे सोशल रिलेशंस जो है, या हम कह सकते हैं हमारी जो जो प्रोवाइड हो रही है हमें, नेसेसिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, तो इन सब के ऊपर ये शांति, अगर हम सोशल पीस की बात करते हैं तो हमें ज़रूरी है। अगर हम शांति प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर अस टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो वी हैव इन आवर ओन टाइम विटनेस द फ्रेगमेंटेशन, इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज एल्सवेयर। सोशल पीस इज दस अ प्री रिक्वेजाइट फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। लेट सैनिटी प्रिवेल, लेट दिस बी आवर मोशन, ओके मोटो। तो हमारा मोटो ये होना चाहिए कि हमें किसी भी परिस्थिति में कैसे सोशल जो है ये डायलेमा जो क्रिएट, सोशल मैं कह सकती हूँ कि ये जो इश्यूज़ या सोशल डिस्टेंसिंग हमारे बीच में, सोशल डिस्टेंसिंग जो फिज़िकल वे में होनी चाहिए ना कि इंटरनली, है ना। तो हमें अपने वैल्यूज़ को ध्यान में, कोर वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, वी हैव टू टेक स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट टाइम, ओके, आफ्टर थर्ड में हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ये आज के आर्टिकल से जो हमने डिस्कस किए, इसके अलावा एक और आर्टिकल की बात करती हूँ, प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर। तो अब ये जो कंडीशन है कि इसके अंदर, इस आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नमेंट को कुछ, अब क्योंकि हमने COVID-19 से गुजरते हुए देखा कि पुअर कंडीशंस, पुअर लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है, बहुत गरीब अवस्था में जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन, एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। सो वी हैव टू टेक, और गवर्नमेंट हैव टू टेक द इम्पॉर्टेंट मेजर्स। गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि वो कुछ ऐसे कदम उठाए जो टेम्परेरी ना हो, लंबे समय तक इन लोगों को और गरीब बनने से बचा सके। जो लोग ऑलरेडी गरीब हैं उनकी कंडीशन, ओके, जो लोग डेली बेसिस पर वर्क करते हैं, डेली बेसिस पर जो मैं कह सकती हूँ जो देनगी बेसिस पर कार्य करते हैं, डेली बेसिस पर जिनको मजदूरी मिलती है, लेबर मिलता है, उस बेसिस पर जो वर्क करते हैं, तो ये चीज़ देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में कि जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत और भी पुअरेस्ट कंडीशन में ला के लॉकडाउन में उनको खड़ा कर दिया है ना। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने उससे भी पुअर कंडीशंस को फेस किया है। तो ये ज़रूरत है सरकार की कि वो आगे आने वाले दौर में कुछ ऐसे नियमों का अनुपालन करे, कुछ ऐसे नियमों को, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स जनरेट करे जिससे कि गरीबी को टेम्परेरीली नहीं, लॉन्ग टाइम तक हटाया जा सके। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू और बहुत सारी सर्विसेज इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को प्रोवाइड करवाई है, लेकिन हमारी ज़रूरत यह है कि हम आने वाले टाइम में लोगों को ये टेम्परेरी सर्विसेज की जगह एक ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, ऐसे देश का निर्माण करें जो कि हमारे देश को अपहोल्ड कर सके, अपग्रेड कर सके, है ना। ये जो पुअर जो फेस कर रहे थे, इन्हें टेम्परेरी या इवन आने वाले टाइम में भी टेम्परेरी पुअर्स की जगह हम लोगों को ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि हम टेम्परेरी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवा रहे, इवन ये पुअर्स और ज़्यादा पुअर्स ना हो और इनके कंडीशन अपग्रेड हो, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा अपग्रेड हो, ना कि डिग्रेड हो ऐसी कंडीशंस में। ऐसी महामारी का दौर या और भी भगवान ना करे, लेकिन ऐसे दौर अगर हमें आगे भी देखने को मिलते हैं, ऐसे दौर से गुजरते हैं हम, तो डेफिनेटली वी हैव टू फेस अ लॉट टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग, ओके। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट, गवर्नमेंट नीड टू वर्क ऑन इट, एंड दिस इज द प्रॉपर इनिशिएटिव to take after this lockdown, after this period of COVID-19, okay? तो अब देखिए, ये हम जानते हैं कि COVID-19 का दौर गुजर रहा है, और बिल्कुल हम लोगों ने स्टार्टिंगली जो है बहुत एहतियात बरते थे, और हम बिल्कुल सेफली जो है लॉकडाउन के अंदर हम COVID-19 से बच कर चले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ गाइज,
हम लोग अपनी जो अपने इश्यूज़ हैं, अपने जो पर्सनल इश्यूज़ है उसको साइड में रखने का टाइम है, और हमें ये चीज़ सोचने का टाइम है हम आगे वाले आने वाले टाइम में कैसे मैनेज करेंगे COVID-19 को, क्योंकि डे बाय डे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। नो सेफ्टी किट्स आर अवेलेबल, नो वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल, नो एंटीबॉडीज़ अवेलेबल, इवन जो टेस्टिंग हो रही है वो भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी ज़रूरत है कि हमें खुद अपने अपने लेवल पे इस COVID-19 से जो है जंग लड़नी होगी, हमें लड़ना होगा इस दौर से। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन सारे नियमों और आदेशों की पालना करें जो सरकार द्वारा हमें मुहैया करवाई जा रही है, ठीक है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे इस बुरे वक्त से मिलजुल कर निकलने की, और बिल्कुल कोशिश करेंगे, और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग यंग जनरेशन से, वी आर यंग्स एंड वी आर दी बेस ऑफ दिस कंट्री, हम आने वाला वक्त है, तो हमारी ज़रूरत है इस देश को, हमारी ज़रूरत है इस देश को, ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो ये समझ सके कि हम किसी भी वक्त में अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, अपने देश को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन समझ में आया है, और आप बिल्कुल पढ़िए जो मैंने आपसे नॉर्मल जो डिस्कशंस किए हैं, जो डीप डिस्कशंस भी हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इट इज़ अ नीड टूवर्ड्स दी इट इज़ अ नीड ऑफ अस टू गो टूवर्ड्स दी गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड सोशल डिस्टेंसिंग एंड गुड रिलेशंस टू अमंग ईच अदर। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। दिस वॉज आयुष जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। हम लोग फिर से कल एक नए एडिटोरियल सेक्शन को लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल जोश के साथ में मेरे साथ में जुड़ते हैं, और बिल्कुल जुड़ते हैं। मैंने आपको देखा है कि आपके व्यूज़ जो हैं अच्छे आते हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, और मुझे इस बात की प्रेजेंस शो होती है। आप अगर लाइक कर देंगे, अगर आप कमेंट कर देंगे, तो मुझे लगेगा, मुझे प्रेजेंस शो होती है कि यस आई एम नॉट स्पीकिंग टू माई ओन, या मैं कह सकती हूँ मैं खुद से बात नहीं कर रही हूँ, अकेले मैं नहीं बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सबके साथ बात कर रही हूँ, और मेरी बात काफ़ी लोगों तक पहुँच रही है। तो ये देखिए COVID-19 का दौर है और हम लोग घर पे बैठे हैं, तो हमारी ज़रूरत है कि हम इन एडिटर्स की व्यूज़ को जानें, इस न्यूज़पेपर्स के द्वारा जो लोग जहाँ जहाँ जो न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं, संकेत पहुँचाना चाहते हैं, चाहे वो सरकार तक हो चाहे आम लोगों तक, तो हमारी ज़रूरत है कि हम उन्हें समझें और उन्हें जीवन में आने वाले टाइम के लिए उतारने की कोशिश करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, एंड दिस वॉज आयुष जोशी अगेन। जैसा कि आप वैसे अब तो मुझे जान ही गए होंगे, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, बट स्टिल बी विथ मी एंड ऑलवेज कीप स्टार्टिंग, बी सेफ, स्टे सेफ एट होम, एंड आफ्टर इवन लॉकडाउन प्लीज़ डोंट ट्राई टू ट्रिगर योर सेल्फ, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल, वी इट विल टेक सम टाइम, ये टाइम लेगा, COVID-19 टाइम लेगा अपने नॉर्मलसी में आने के लिए, अपने वक्त को वापस लाने के लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी, एंड वी नीड टू गो अहेड। ओके, थैंक्स फॉर बींग विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।